हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेमिंग न्यूज़ वीडियो। यार कैसे हो आप सब? यार बहुत ही दिन बाद तुम्हारा भाई आया है। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार स्नैपड्रैगन का जो न्यू स्टेट का लैन हुआ है, तो उसी के बारे में यार हम बात करने वाले हैं। हमारी कौन कौन सी टीम कहाँ कहाँ सी पोजिशन पर आई है और क्या क्या गलती हुई, तो यार हम पहले बात कर लेते हैं। जो हमारी चैंपियन है वो है भाई टीम एक्सो। जी हाँ भाई, फर्स्ट टाइम एक्सो कोई लैन इवेंट जीती है। और हमारे जो रनर अप है वो है टीम गॉडलाइक, जिनका भाई डिफरेंस सिर्फ 3 पॉइंट्स का है। एक्सो के यहाँ थे 96 पॉइंट्स और टीम गॉडलाइक के थे 93। और जो हमारी है सेकंड रन अप है वो है भाई रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स। तो ऐसी लीक्स आ रही हैं। लीक्स क्या मतलब, स्नैक्स भाई ने भी अपनी स्ट्रीम में बताया है कि भाई टॉप जो 2 टीम्स हमारे होने वाली हैं वो बचाएंगी भाई न्यू स्टेट की वर्ल्ड चैंपियनशिप में। जी हाँ भाई, इंटरनेशनल जाने वाली है वो 2 टीम्स। तो यार गॉडलाइक और टीम एक्सो जाने वाली है न्यू स्टेट के वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब वर्ल्ड लीग में। तो यार देखते हैं वहां पर इनकी कैसी परफॉर्मेंस आती है। तो यार SA12 की भी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी लीग स्टेज में, बस वो अच्छा नहीं कर पाए, तो यार उनके लिए बुरा लगा। तो आई होप वो नेक्स्ट इस टूर्नामेंट में वो अच्छा खेलेंगे। तो यार और हम बात कर लेते हैं अगर जो MVP बने हैं तो वो है भाई गॉडल के रिफ्लेक्स है। जी हाँ भाई, उनकी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, जो 29 फिनिशर्स के साथ वो MVP बने हैं। तो यार उन्होंने तो जोनाथन की वाइफ वापस ला दी, मतलब गॉडलाइक से रिफ्लेक्सर और जोनाथन। तो आपका क्या ओपिनियन था, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, कॉमेंट जरूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।